इसको हम बालू पर रगड़कर आवेशित करेंगे और दूसरी वस्तु यहां पर इस पर जो छोटे छोटे कागज है वह अनावेशित है। तो हम किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले कंघे को रगड़ेंगे और रगड़ने पर यह जो आवेशित हो जाएगा और आवेशित होने के बाद में हम इसके पास में ले जाएंगे। तो हम क्या देखेंगे, ये जो कागज है ये इसके क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहा है। तो अर्थात हम इसको सिर्फ पास में ले जाने के बाद भी ये इसको क्या कर लेगा, अपने पास में खींच लेगा। तो यहां पर हम किस प्रकार से बताएंगे कि स्थिर विद्युत बल कब होगा, जब एक आवेशित वस्तु, आवेशित वस्तु हमने कौन सी ली, कंघा, और अनावेशित किस प्रकार से था, जो कागज बिखरे हुए थे यह अनावेशित थे, तो इसमें क्या किया, इनको खींच लिया, तो यह स्थिर विद्युत बल कहलाता है। तो यह है दूसरे प्रकार का जिसकी हमने बात की अभी। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रकार का, तो तीसरे प्रकार गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार होगा, यदि हम किसी भी वस्तु को फेंकते हैं या ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं तो वह हमेशा नीचे की ओर आती है। क्यों, क्योंकि एक पृथ्वी के अंदर शक्ति है जो नीचे की ओर खींच लेती है और उसी शक्ति को हम क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। जैसे मैं इस गेंद की बात करूं तो गेंद ये ऊपर है तो इसको मैं क्या करूंगा, ऐसे गिराऊंगा तो ये नीचे की तरफ आई। अब नीचे की तरफ क्यों आई, क्योंकि यहां पर एक प्रकार का बल काम करता है, उस बल को हम क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। और जिसकी हमेशा प्रकृति होती है वह नीचे की तरफ मतलब आकर्षण की होती है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो इसमें हम किस प्रकार देंगे, वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है या पृथ्वी की ओर आती है, आकर्षित होती है तो इस प्रकार से हम तीन बल के बारे में जो असंपर्क बल हैं उनके बारे में बताया और ये इनके अलग अलग भाग हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की कि दाब किसे कहते हैं, दाब तो दाब को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, किसी पृष्ठ के प्रति, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। अब इसको फॉर्मूले के बेस पर किस प्रकार लिखेंगे, दाब बराबर बल बटे में क्षेत्रफल दाब बराबर बल बटे में क्षेत्रफल, तो ये इसके लिए परिभाषा के अनुसार फॉर्मूला है।